सेगांव दसंगा बस हादसे में मृतकों को नारी शक्ति के तत्वावधान में जनपद पंचायत सभागृह में श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर जनपद पंचायत सीईओ रीमा अंसारी, जनपद उपाध्यक्ष ओम प्रकाश पाटीदार, पत्रकार संजय जायसवाल, जनपद पंचायत का स्टाफ और नारी शक्ति की टीम सहित महिला और ग्रामीण जन मौजूद थे। सभी ने गायत्री मंत्र के माध्यम से और मौन रख कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। गाड़ियों की फिटनेस, ड्राइवर अनभिज्ञ ड्राइवर होते हैं जो गाड़ी ठीक से चलाना नहीं जानते हैं, उनके ऊपर आरटीओ कोई कार्रवाई नहीं करता है। कम से कम योग्य ड्राइवर हो जो सभी जो सवारियां पीछे बैठी रहती है उनके लिए ड्राइवर भगवान होता है। तो कम से कम ड्राइवर का चयन ऐसा हो कि उसके साथ कागज व्यवस्थित हो, उसके सब बहुत किसी भी प्रकार के अनुभव ड्राइवर ना हो। और जिस तरह से जिस उम्र के बच्चे और बूढ़े सब गए हैं इस दुर्घटना में, एक 25 साल का बालक जो अपने सपनों को उड़ान देने के लिए जा रहा था इंदौर, उसके साथ वो अकेला नहीं गया है, उसका पूरा परिवार गया है। एक साल का मोदी का बच्चा गया है जो जिसने अभी दुनिया में क्या देखी, उसने क्या जीना जिया है, वो उसके माता पिता की गोदी सूनी हो गई है। तो उस घर में भी ये समझ लो कि पूरा परिवार खत्म हो गया है। तो इस तरह से हम कब तक परिवार के परिवार होते रहेंगे? आरटीओ क्यों कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है? कम से कम अभी जो चल रहा है हम देख रहे हैं गाड़ियों की कितनी परेशानी हो रही है सबको। अभी 8 दिन के लिए उठा के सब गाड़ियों को अंदर डाल दिया, उसके बाद फिर वही हालात होंगे। हम सीरियस कब होंगे? कब तक अपनों को खोते रहेंगे? और अपने जाते हैं तो पूरा परिवार खत्म हो जाता है। तो प्रशासन से और जिम्मेदार अधिकारियों से मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम पैसों के लालच इंसान के जीवन से ना तोले। इंसान का जीवन अनमोल है, हर व्यक्ति जीना चाहता है। तो हम चाहते हैं कि बस ये कार्रवाई ऐसी हो कि अब आगे भविष्य में ऐसी घटनाएँ ना हो। और ड्राइवर जो ठीक तरह से गाड़ी चलाना जानता हो, जिसके सारे कागज हो, उसी को मान्यता दी जाए। उसकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की अगर बैठ रहा है बस में तो ये उसकी खुद की भी जिम्मेदारी होती है कि वो उसमें बैठने से पहले ये देख ले कि ड्राइवर सही हालत में है या नहीं है। हमें सचेत तो रहना ही है, साथ ही साथ हमें ऊपर तक की आवाज़ पहुँचाएंगे कि जो भी बसेज हैं उनकी फिटनेस का चेक करा जाए, जो भी ड्राइवर हैं उनकी लाइसेंस और उनकी प्रॉपरली टाइम का रिन्यू भी होना चाहिए कि वो अपना मतलब दायित्व समझें, क्योंकि वो भगवान का रूप नहीं होते हैं, वो यमराज का रूप हो गए कि उन्होंने उनको ऊपर भेजने का काम करा है। तो मैं यही करूँगी कि ये तो बहुत दुखद घटना है और भविष्य में ऐसा पुनरावृत्ति ना हो हम यही आशा करते हैं। और जो भी लोग हमें छोड़ के चले गए हैं हम ईश्वर से उनके आत्मा की शांति की प्रार्थना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।